नमस्कार, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई। राष्ट्रीय सूचना संस्थान यानी नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट का विशेष प्रोग्राम सच्चाई में एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, आप जिस प्रकार जानते हैं तो प्रोग्राम सच्चाई में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारे देश की सरकार दरअसल क्या क्या काम कर रहे हैं और हमारे देश के समाज के वास्ते हम दरअसल क्या कर रहे हैं। आज की सच्चाई में हम आपको ले चल रहे हैं एक बातचीत में, और वो बातचीत हम कर रहे हैं बेओखी का जो डॉक्टर है श्री दयानंद पंचू जी, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। आजकल हमारे सूरीनाम देश में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो एक इन्फ्लुएंसा ख्रिप फीरस या ख्रिप इन्फेक्सी के नाम से पहचाने और जाने जाते हैं, उसके बारे में हम डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनने की महती कृपा करें। डॉक्टर पंचू, आपको सबसे पहले हम नमस्कार करेला। आज हम आपके पास अयले बाटी, आपसे बतियाई खड़तीन और पूछे खड़तीन कि जोन ई साइड पर एक बीमारी चलल है हम लोग के देश में, और वो हैगा इन्फ्लुएंसा ख्रिप फीरस ऑफ ख्रिप इन्फेक्सी। ओकर बारे में आप का बता सको है कि ये बीमारी कैसे पैदा हो है और ऐसे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकेला। बड़ा धन्यवाद कि हम थोड़ा हिंदी में बतिया सकेला कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन आदमी लोगों के दे सकेला। ये बीमारी जो पैदा हुए है एकर ओरसाक हुए है दौर एगो फीरस है। एगो फीरस एगो छोटा जानवर बोल सकल जा है, जैसे बैक्टीरिया छोटा है। तो ये जो तोर तोर लॉन्ग में आ सके है, जो ऊपर वाला लॉन्ग खदेल तो बूफस इन्फेक्शन बोली ला के बूफस केल में, तो वो आए के वहाँ नेस्टल हो जाए, वहाँ आए के बैठ जाए, वहाँ पे स्टेकिंग पर और साग करेगा। तो आदमी लोग के जब ये बीमारी पकड़े हैं तो ये बीमारी सबन के खोखी देवे, खोखी देगा सबके केल में, केल पेन आएगा, उस सबके स्टेम अभी बैना फरद्वैन हो जाए अभी। और इस सबके आदमी लोग के बुखार लगे हैं, आदमी लोग के मूड पिरा है, आदमी लोग के फरमुई टाइट है, आदमी लोग के नखुना फर स्टॉपिंग हो जाए, तो इस सब फर्स कैंसल फर और साख करें। मार जोन आदमी के वेयर स्थान स्वाक है तो ये तो के बड़ा ज़्यादा बीमार कर सके। तोर फ्यूरस चल जाए तो लॉन्ग में, और लॉन्ग में स्टीकिंग फर और सांस करेगा, तो सांस ना मुँह से ली पाइए, तो देही में कंफ्यूशियस स्टॉफ जाएगा, उसके कारण से जितना और खान और खाएगा वो सब खाद हो सके और तू मर सके बीमारी से। दोस्त ये बीमारी के जोन बा जो तो के जब पकड़ ले बीमारी तो तुके चाहे जाए के दतरा लगे, तो के दतरा देख सके है कि कौन की है। वहाँ इस साइड पे खाली ख्रीफ फ्यूरस ना है, मगर ख्रीफ फ्यूरस सबसे ज़्यादा इस साइड है चलल है। मगर और फ्यूरस जोन है, जो डेंगे फ्यूरस चिकनगुनिया और सीका है, यहू सब तुके पकड़ सके है। तो जब जाइए दतरा लगे तो दतरा देखेगा कौन वाल कौन चीज हो सके है। वन जो देंगे उतनी एक आधो क्लास्टर दूसर वाल क्लास्टर लावे तो उतनी ऑन द स्काई कर सके है। मैं वो दतरा जोन है तो दतरवा तो के देखी तो के और बीमारी है कि जोन तो के जब इस रिपो पकड़ी तो तुके वो बीमारिया कारण तू अभी ऊपर लाइद हो सके। तो वही से दतरा लगे तू जाइए आप, तो तुके दतरा डायरेक्ट देख देगा तुके साइड, बोली कि अच्छा ये ठीक है। वन ये जोन ख्रिप के बीमारी है, ये नॉर्मल अपने से अच्छा हो जाए, आदमी लोग के एकाध रोज एक हफ्ता के बीच में ये चीज़ अच्छा हो जाए। तो मार जब आदमी लोग के दूसर दूसर बीमारी रही और छोटा लड़कन के और ये सब जो हम लोग बोला खरूनी से सीखता धले तो के हार्ट के बीमारी है तो के स्वयकर सीखता है, तो ये ज़्यादा एरख कर सके। और एक दूसरा चीज़ है, जब तोर फिर सुबह केलुआ में आएगा तब जब वहाँ बसखाद करेगा तब बैक्टीरिया भी कांस पा जाए, तो के हम लोग बोलेला हॉलांस में अपॉर्चुनिस्टिक से इन्फेक्सिस। अच्छा। तो ओहू कांस पा जाएगा आई के तो जाए तो लॉन्गवा में लॉन्ग बसखाद कर सके। अच्छा, अच्छा। बस आपके चाहिए जाए के जब आप बीमार बाटे तो के तो तुके चाहिए जाए के वन ई जोन ख्रीप फीरस है तो एक फक्सें हैं, आदमी लोग फक्सें फक्सीनासी ले सके है। मैं एगो प्रॉब्लम है कि ई फीरसवा हर बरिस
तनी से सबके अर्फल का मटेरियल में जो हम बोला मितासी हो जाए तो फिर तनी दूसर पर्यंत आ जाए तो जब तू आगे से फक्सीनासी एक बरिस दो बरिस इधर जो पाई हुई है तो फक्सीनसिया काम ना करी तो ना बस कैरम बाटे स्टेज जो नवा ला जाए तो नवा फक्सा बने तो वो तो के बस कैरमिंग देगा डॉक्टर ये जो बीमारी है ये जो फिरसुआ है तो ये बैतलान से कहूँ से उड़ के आ रहेगा हम लोग के देश में कि कोई तूफालक गल रहा बैतलान और वो बीमार पड़ल रहा और ओकर वजह से यहाँ पर बस मैत हो गया है ढेर आदमी या फिर कब ई इन्फेक्सिया या ई फिरसुआ कब प्रसि शुरू भल है ई चलल है एक ई फिरसुआ के इन्फेक्सिया ई हरदम बना रही म तनी कमती एकदम कमती रही हो सके है बेनलांत ऑफ सन्ना में इस सब के हम लोग बोल रहे सबके अर्फलक मटेरियल में मिटासी हो जाए तब इस सब अनस्थान हो सके सन्नामे में अनस्थान है मगर इस साइड बड़ा भारी कान से कि आदमी लोगों जो बहुत आना जाना लगल है दूसरे देश से आदमी लोग लेके आ सके है अच्छा। और एक दो महीना हो है ऐसे कि इस डमरिया यहाँ ज़्यादा भइल है और ई फिरसुआ जोन है इतनी ज़्यादा आदमी के बीमार करे वहाँ जैसे हम लोग देखे ला कि देख जने मर गए हैं सात जने तो मर गए हैं तो ई फिरसुआ से दिल लगी ना चाहिए करे के तो कई आदमी के जान मार डाले है तब ये सब चीज़ तब तो चाहिए बड़ा संभर के रहे के बचाई के रहे जाने तो पकड़े ना तो के पकड़े ना जब पकड़ी तो डायरेक्ट दतरा लगे जाए चाहिए और जब तो के कुछ दूसर बीमारी है तो वहाँ ई फिरसुआ तो पकड़ी तो कोर्स जहाँ बुखार लगल तो के तो तोर एकवन बीमारियाँ पर एरखर हो जाए बस तो के चाहिए हाल ही से दतरा लगे चल जाइए दतरा तो के देखी तो के बताए आतफिस करिए वहाँ ई बीमारियाँ देख हॉलांत में है अभी सब पकड़े है मार वो दमियन वो डायरेक्ट अच्छा हो जाए वहाँ ई बीमारियाँ तो के एक लग जाएगा खसवंत आदमी के जो उनके व्यय स्थान सब कुछ मोई है तो एक हफ्ता में अच्छा हो जाइए तो ना प्रॉब्लम है मगर आदमी ई बीमारियाँ अभी हम देखिए ला दतरा हुई के हम देख ली है कि ई बीमारियाँ तब जो आदमी खसौन देखा है तो एक एक महीना पकड़े बा एक एक महीना पकड़े बा तो पकड़िस और एक तनी दे वो हो है तो ई फिरसुआ जहाँ तक देखा है कि ई फिरसुआ आदमी के ज़्यादा बीमार कर देवे दान एक कौन जैसे आप बतैलो है तो हम लोग भी पढ़ली बाटी कई बार कि जोन आदमी के लीफ्ट है इतनी ज़्यादा है मतलब जितना हम लोग के वृद्ध लोग है जोन ले ले सैफ अख्तियार के है ताकत अख्तियार के है या और ज़्यादा आयु के है तो उस सब तो कमज़ोर रहे हैं उस सब के देही उस सब के कौन रकम से चाहेगा बचाई के रहेगा हाँ दस ऐसे है कि आदमी लोग दस ऋषि को रूप में ऋषि को रूप में हम लोग के अरे सामल लीफे में है जी फोराल दोन और मैंस है स्वांगर है इस सब के जो जैसे दूसरा बीमारी है तो उस सबके व्यय स्थान पर लाख रहे तो इस सबके पहला चीज़ चाहिए कोशिश करे के कि इस सबके बीमारियाँ ना पकड़े वहाँ जो पकड़ ली तो के जैसे तो व्यय स्थान लाख है तो ई तो के ज़्यादा बीमार कर सके जैसे तो के चाहिए जब देखिए कोई के हैगा भी जहाँ तत्व के चाहिए आपन मन काप पहने के तो चाहिए दूसरा चीज है वन जैसे बोल रही है कि जब बीमारियाँ तो के पकड़ी तू अपन हथुआ में मिसाल जब तू पुस्तक करिए तब ड्रोपल वाटर से तब जा आवे है लोक में और जब तू अपन हाथ धर दे लोकर आगे तो उस सब तोरे लगे आ जाए तोर हथुआ में आ जाएगा तो तू हथुआ सब जाइए कमाड़ी खोले तो जोन जोर कनाफ है ओमन हो जाए दूसर कोई जाएगा तो ओकर हथुआ में भी जो पकड़ेगा तो आ जाएगा तो वही मारे हाथ बहुत ज़्यादा चाहिए धोए के मतलब जब छींक आवे है और खोखी आवे है तो ओकर वजह से जो थूक निकले है मुंह में से वो बस मैतुलक है तो वो है फिरसुआ अच्छा और बोसी ओसी देवे हम बोल तनिक कम कर देवे चाहिए साइड पे हुआ भइल है इससे कि बोसी देवे से अभी ऊपर स्प्रेड हो गए और दूसरा चीज़ है कि तोरे एकदम नगीचे ना जाइयो जो आदमी के बीमारियाँ बा वह जो हुस्त करीस तो लुख्तवा माई तो तुह पकड़ सके लुख्तवा से तू आदम करिए तो के अभी पकड़ ली तो कर एकदम लगे ना रही हो माँ हाथ तो धोइए सब चीज और कोशिश करिए फक्सीनासी लेवे के तब तो के बच के रहिए
अच्छा, और जैसे आप लोग बतैलो है फोर लिखटिंग्स प्रोग्रामस में इत्यादि कि हर एक काम करे से पहले और खास करके जब कोई जाए खाना खाए चाहे ब्रेड खाए चाहे चाहे जो चीज खाई मतलब बहरे से जहाँ घरे अलो तो चाहेगा हाथ धोवे के हाँ हाथ धोवे के तो हाँ, चाहे तू कायनी बहरे से लेके अल है हाँ, और फोराल जो बीबी भी फरसौरख करे है जी ये सब के चाहे पहले कुछ करे के बीबी छुए के हाथ बहुत बढ़िया से ही धोवे के हाँ जब छोटा लड़कन के तनी व्यस्तांत लाख रहे हैं हाँ, तू बचाए के ना रहिए तू सबके पकड़ सके तू चाहे चाहे जो ची बेबी की बेबी के सफाई करिए और कुछ करिए तो आपन हाथ खूब मोई से धोई के करिए। अच्छा और कैसे इस साइड पर हैगा आप लोग देखो है कि जैसे एक आध हफ्ता से या हम सोचिला कुछ और ज़्यादा दिन से ये वायरस फैलल है हम लोग के देश में आपके लगे है कि और कमती भैल है ज़्यादा फोर लिफ्टिंग देवे से या तोख और ज़्यादा बढ़ गए है हम लोग जैसे देखी लात चीजवा तनी बढ़त जा है ओ अच्छा हाँ देश बढ़त जा है फोर लिफ्टिंग देवल जा है मदमियन के भी चाहिए फोर लिफ्टिंग वहाँ फॉलो करे के अच्छा फोर लिफ्टिंग ना फॉलो करिए तब तो और ज़्यादा हो जाएगा मैं ईसाई तनी देखा है कि ज़्यादा जाए वही से मिनिस्ट्री अब तनी कोशिश करे है कि और फोर लिफ्टिंग देवे जाने आदमी बच के रहे बीमारी ना पकड़े और बहल्फ इजोन रेस्टोरेंट इत्यादि के बारे में हम लोग आप बात करी ला जो लोग कहीं पर भी नौकरी करे है काम करे है और लड़कन जो स्कूल जा है उस सब के जब पता लगल कि ई वायरस है या उस सब बसमैत हो गए है तो उस सब के का करे के चाहिए फ्राई ले लेवे के चाहिए या तोख तनी संहार के स्कूल या काम पर जा सके संहार के काम पर से और चल जाइए दतरा लगे दतरवा अच्छा। देखी देख वन ई चीज बात जब तो सिकमनिया ना पकड़ी से अब कलाखता उजो ना भइल है और कोनो सिम्टम ना भइल है एक रोज आगे से तू आदमी के बसमैत कर सके वही तनी फरादलक है कि तू एक रोज आगे से बसमैत में तू तो के ना चाहे जाए के आदमी में जहाँ गए आदमी में तो तू खोखिए और तू निशा करिए वो आदमी आदमी के सबके पकड़ी जिस तो तू चल जाइए अपने दतरा लगे दतरा तो के अथी शेयर करी बोली तू घरे रहिए तो वही तब घरे रहिए तो सुनिए जब तक तू ना बीतर हुई तब तक ना जाइए जहाँ आदमी में और इसी प्रकार आपने अभी सुने और देखे एक बातचीत जो हमने किए बेओखी का एक विशेष डॉक्टर जिसका नाम है दयानंद पंचू जी उनसे हमने बात की है जो ख्रिप वायरस आजकल हमारे सूरीनाम देश में समाज के अंदर फैले हुए है और फैलते जा रहे हैं उसको कैसे हम रोके और कैसे इसका इलाज करें इत्यादि इत्यादि उसके बारे में आज की सच्चाई को देखने के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर आपसे मिलेंगे हमारा प्यार भरा नमस्कार इसी तरह आपने देखे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।